मम्मी बोलना चाह रही है कि मैं ये रिंग मार डालूंगा। ओ आ गया भाई पहले में ही। बंदूक पकड़ेगा तो दिखाओ। तो निखिल इज द प्रफुल इन माय लाइफ एंड आई एम द हंसा इन हिज लाइफ। सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो गाइस, आज का दिन शुरू करते हैं नए दिन और नए व्लॉग के साथ। आज निखिल घर पे हैं और घर पे होते हैं तो वो गेम खेलते हैं, तो मैं उनका अपना मी टाइम होता है इसलिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, तो क्योंकि वैसे भी बेचारे इतना ऑफिस में दलते रहते हैं अपने आप को, तो उनको बस यही टाइम मिलता है जिस दिन छुट्टी लेते हैं, वो भी कभी दो हफ्ते में एक बार छुट्टी लेते हैं। और अभी आ रखी है मम्मी घर पे, यहाँ देखो और यहाँ पे शुरू हो गया है काम। आपको घास उखाड़ने के लिए किसने बोला? वो माली का काम है। गाइस देखो, मैं आप लोग को दिखाया था ना फूल, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हाइब्रिड हम लोग ने प्लांट लिया था, मतलब जो दुकान से मिलता है वो लिया था और वो लगाया था, जबकि हमने लगाया था इतना छोटा छोटा और एक का दो बना दिया था मम्मी ने पूरा ही। अभी इतना सारा खिल रहा है यहाँ पे, वाह। अभी क्या बोलते, दिवाली में हमारा यही काम आएगा। तो सुंदर लग रहा है, मुझे ना ये वाले कलर का गेंदा बहुत सुंदर लगता है, येल्लो कलर का। ये लेके आए थे हम मम्मी के घर से, जो मैंने आप लोग को किचन में दिखाया था ना, उसका दूसरा भी प्लांट रेडी हो रहा है यहाँ पे, दूसरा साइड का रेडी हो रहा है। अब इसको इधर साइड करके ऐसे करके कर देंगे मम्मी। हमारा ये बैंगन बेलिया भी खिल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है यार ये। कितना प्रेटी है। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं नेपाली मेला में और भाऊजू का वेट कर रहे हैं। जैसे भाऊजू वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, नेपाली मेला में जा रहे हैं जो यहीं पे लगा। हम लोग, मैंने आप लोग को दिखाया था आज संडे है तो आज लास्ट होगा, तो जब तक आप लोग देख रहे होंगे तब तक तो वो ख़त्म भी हो जाएगा। बट आज हम लोग जाएंगे, सो मैंने नेपाली मेला में जा रहे हैं, तो मैंने दशहरा दिवाली का मेला है तो इसलिए आज मैंने नेपाली, मतलब सिंगापुरी ड्रेस है वैसे तो ये, बट ये नेपाल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मैंने यही लगा लिया आज। सो आज मम्मी और मैं ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं, बस मम्मी लाइट ग्रीन है, मैं डार्क ग्रीन हूँ। तो अभी चलते हैं, भाऊजू भी आ रहे हैं, सबिन भी आ रहे हैं एंड आप लोगों को घुमाती हूँ मैं मेला। मुझे यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर भी मिले, मैं उनके साथ वीडियो बनाना ही भूल गई क्योंकि मैं अपने ही धुन में गर्मी हो रही है, वॉक करके आए इसलिए अभी यहाँ पे मम्मी लोग फ्लावर्स देख रहे हैं। तो रेड वाला है ना, ये तो अस्थिर आ गए जो हाँ नी ये वाला असली लगे लकड़ी में लगा दिया ना सही। मम्मी बोलना चाह रही है कि मैं ये रिंग मार डालूंगा। ओ आ गया भाई पहले में ही। कैसे करा मम्मी आपने जादू? पार्ले जी मिल गया भाई। ला अरे आराम ले, फालो आराम ले, अरे आराम ले करो ना स्लो। पार्ले जी चीज, अरे कुछ अच्छा चीज निकालो, टाइगर लौटते चको पाई में करो अली कत्ती लो बच्ची को, मैं अली कत्ती लो, चलो 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 चलो। अबे यार एक दो यार, एक तो मारो, ए बहुत जोर ले मार दियो। चलो एक चीज तो आया, पार्ले जी बिस्किट मम्मी को मिला है 50 रुपए में, एक 5 रुपए वाला पार्ले जी।
कौन पकड़ेगा तो दिखाओ। चलो निशाना लगाई दो आज। ओ भैया हट तो जाओ आप लोग। हमारे स्वाति मैडम ने माजा फंसा दिया। अब पियेंगे माजा। आजो मैम 50 रुपए में छह। आजो आजो। चलो कोई बात नहीं, एक तो फंसा। गाइस मैंने निकाला है माजा और मम्मी ने निकाला है पार्ले जी। पाँच रुपए वाला वो भी। मम्मी ने 5 रुपए वाला निकाला, मैंने 10 रुपए वाला। अब जाएंगे हम खाने के लिए, पेट पूजा के लिए। चिकन फ्राई हो रहा है और थोड़ा दूर हो जाओ, इधर पे भी है। सबसे मेन तो सेल रोटी होता है, जहाँ पे भी जाओ सेल रोटी तो खाना ही चाहिए। मम्मी तो अभी यहाँ पे अमेरिकन चॉप्स हुए इंजॉय कर रही है। एक मैं ट्राई करती हूँ। आता तो तातो 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 चल। गोलगप्पा दिस पानी पूरी को यहाँ छा। मामी रू पानी पूरी को यहाँ छा। अब आप इसके लिए आओ। आप घूम रहे हैं इधर पे। चलो भाई डलवाओ बने को। एक ही प्लेट में दो बनो ना। ये तो वो है आटा वाला, ये ज्यादा बढ़िया है। ये बड़े है कैसे खाइए। और करो सब वाला कितना सुंदर लग रहा है मम्मी। ये गणेश भगवान जी वाला, ये देखो। हाँ सुंदर सुंदर, वेरी सुंदर। ढोका मत लगा, माथी लगाने हो नहीं।
या तो ढोका को जो इस तो होंगे नहीं खोलने बंद करने मतलब ढोका में ही टेस्मा लगाने हो या बाद ढोका को माथी चौखट में लगाने हो। अच्छा लग रहा जी तो वाला भी अच्छा लग रहा सर। अरे ये ली लो ये अच्छा लग रहा सर गणेश भगवान जी बने को कम करो बनो इसला। हाँ यो कलश वाला कसरी दिखाम यो की चिन्ह वाचा कहाँ गई गो यो तो अच्छा हल्का सा नहीं यो गीत रहेको छ अच्छा लागेको छ यो गीत सँग पनि ठूलो एकदमै पहिलो इतिहास जोडिएको छ विशेष गरेर गोर्खालीहरूको इतिहासमा उहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ अगाडि पनि हाम्रो मास्टर मित्रसेन थापा मगरको स्पिच रहेको छ उहाँले लेख्नु भएको उहाँ पनि पहिले एक्स आर्मी नै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि उहाँले साहित्यमा यो भी राम्रो लागेछ त्यो सेतो वाला भरेको छ नि त्यो अच्छा लाग्यो। हाँ त्यसमा लगाइ लो दुईटा लि लो। हाँ म बुझेको यार अलि लटकेको लो न फेरि यसमा त लटकन ज्यादा छैन नि फेरि लटकेको ज्यादा सुन्दर सुन्दर है यहाँ पे सो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी ये वेपन यूज़ किया जा रहा है ये है खुकरी। ये है हम गोरखाली लोगों का सबसे मेन वेपन और गोरखा पलटन में क्या होता है कि गन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है खुकरी। जितने भी गोरखाली आर्मी पर्सन आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे वो सब के सब गोरखाली ही होंगे एंड जो उनके हाथ में वेपन है उसको चक्कू चुक्कू कुछ नहीं बोलते उसको बोलते हैं खुकरी। उसका नाम ही खुकरी है। बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा उनको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और ये बहुत ही फेमस डांस है। सो गाइज गोरखाली आर्मी मैन को सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट आर्मी मैन माना जाता है इन द होल वर्ल्ड। सो गाइज हम लोग आ गए हैं मेले से वापस और निखिल और मम्मी के लिए मैं मोमो लेके आई हूँ और क्या बोलते हैं आज तो भाई चाँद भी नहीं निकल रखा है। आज करवा चौथ है और चाँद नहीं निकल रखा है एंड सब लोग जिनका फास्ट है वो लोग वेट कर रहे होंगे कब निकलेगी चाँद। आज तो धुन धुन टाइप ला गया सर लेट निकल चल लेट निकलना तो निकलना लेकिन लेट निकलना लेकिन निकल चाह हर साल लेकिन लेट निकल चाहिए उस टाइम में। सो गाइस गुड मॉर्निंग और आज है नेक्स्ट डे। सो आज मैंने बनाया है ये आंवला कैंडी। इसको मैंने नमक और थोड़ा सा चीनी के पानी में उबाला है। अब इसको मैं आप लोग को निकाल के दिखाती हूँ कि इसका कैसे बनाया था। इसको मैं धूप में सुखा दूँगी। मैंने बस दो छोड़ दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ऐसे करके पूरा ही निकल जाता है फिर इसको इसका अपने आप ही ऐसे इतना अलग अलग पीस हो जाता है। फिर इसको ऐसे करके लोग बुरादा भी डालते हैं चीनी का बुरादा लगा देते हैं हल्का हल्का जब गीला रहता है उस टाइम पे सुखाते सुखाते जैसे एक दो दिन सुखाया क्योंकि एक दिन में तो सूखता नहीं है ये। सो बुरादा भी डाल देते हैं मैं कुछ नहीं डालूँगी। अरे यहाँ पे मेरे पेंट का काम शुरू है आज से तो इसलिए सब सामान ऐसे करके रख दिया है। सो ये पेंट भी हो जाएगा। सो गाइज देखिए मेरे पीछे अभी क्या हालत हो रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि आज से पेंट शुरू हो गया है। सो आज तो बस भैया पुट्टी वुट्टी लगा के चले गए हैं तो अब कल से होगी पेंट। यहाँ का कलर भी चेंज हो रहा है सो आप लोगों के लिए सरप्राइज है और मैं बहुत ही डिफरेंट कलर करा रही हूँ जो कलर मैंने कभी नहीं कराया है बट मेरे को 100% श्योरिटी है कि वो बहुत अच्छा लगेगा कलर। सो या तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी जब ये पेंट हो जाएगा और मुझे लग रहा है ये बहुत सुंदर लगेगा ये अलग ही लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड बेस्ट। सो गाइज गुड मॉर्निंग और आज है नेक्स्ट डे एंड आप लोग ने देख ही लिया था हम लोग मेला गए थे वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर भी मिले थे बट मैं इतने अच्छे से बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट मिक्स एम्बिवर्ट हूँ। मैं फर्स्ट टाइम किसी से भी खुल के उसके बात नहीं कर पाती हूँ बट अगर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा होगा तो उसके लिए सॉरी कि आपको लगता होगा अरे वीडियो में तो इतना बोलती है बट फिर सामने क्या ऐसा होता है कि मैं फर्स्ट टाइम जब किसी से मिलती हूँ तो मेरा ऐसा ही होता है रिएक्शन और जब मैं सेकंड थर्ड टाइम मिलती हूँ ना फिर मैं खुल जाती हूँ। सो थोड़ा सा
वो वाला प्रॉब्लम है। सो आप लोग ने मेरा किचन टूर वाला वीडियो भी देख लिया है गाइस, किचन टूर में भी आप लोग ने देख लिया है कि मैं कितना अटक रही हूँ और मुझे फिर याद आया कि मैं निखिल की हंसा हूँ, क्योंकि हंसा को जो किसी चीज़ में वो अटकती थी तो प्रफुल उसके हस्बैंड उसको बताते थे, तो निखिल इज़ द प्रफुल इन माई लाइफ एंड आई एम द हंसा इन हिज लाइफ। सो मैं इतना अटक रही थी और मैं पूछ रही थी कि इसको क्या बोलते हैं। सो वही होता है मेरे लाइफ में एंड एक्चुअल रियल लाइफ में भी यही है सीन। ही इज़ द गाइडर एंड ही गाइड्स मी थ्रू लाइफ एंड चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि इज़ मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बट हाँ कुछ चीज़ों में वो इमेच्योर है एंड आई एम मेच्योर। या सो ऐसा तो चलता रहता है। सो अभी क्या बोलते हैं, मैं ये बता रही थी कि अभी कल मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे यहाँ पे वो चल रहा है तो पेंट वेंट का काम, तो पेंट वेंट के साथ साथ हमारा जो ये वाला शटर, मैं आपको दिखा देती हूँ ये। सो इसमें भी होने वाला है काम एंड वो काम जब हो जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, बट ये अब मेरे ख्याल से दिवाली से पहले पहले हो जाएगा एंड दिवाली से पहले पहले हमारा घर चमक जाएगा गाइस एंड वो मैं आप लोगों को जब बन जाएगा तभी दिखा पाऊंगी, बट अभी जो पेंट हो रहा है वो तो मैंने आप लोग को बोल ही दिया है कि वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी जब पूरा ही हो जाएगा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं दिखाऊंगी। तो ये जब घर बना था उस टाइम का है, तो ये नीचे से, ऊपर से तो बिल्कुल ठीक है ये, बस नीचे नीचे से क्योंकि बारिश होती है और लकड़ी का है तो नीचे से बस वो नीचे की लकड़ी ख़राब हो गई है और तो सब कुछ ठीक है, बट क्या कर सकते हैं नीचे से ख़राब हो गया तो वो लुक अच्छा नहीं आ रहा है। सो इसलिए अब हम लोग वो चेंज करा रहे हैं एंड कुछ और अलग ही चीज़ लगा रहे हैं। सो या एंड आप लोग को बता दिया है मैंने, तो अब मैं ये वाला ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे और ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं। तो गाइज मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी नए वीडियो और नए दिन के साथ, और मे भी शायद हम लोग विरासत जाएंगे तो विरासत वाला वीडियो आएगा एंड आई होप कि विरासत वाला वीडियो विरासत ख़त्म होने से पहले आ जाए क्योंकि मेरा वीडियोस बहुत ड्यू चल रहा है। सो अभी मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी गाइज एंड अगर आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा, वीडियो इन्जॉय किया होगा मेरे साथ, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट गाइज, प्लीज़ कमेंट। ओके इंटरेक्शन करना ज़रूरी होता है सो इसलिए प्लीज़ इंटरेक्ट करना और मेरे वीडियोज़ में कमेंट भी ज़रूर करना लाइक के साथ साथ। सो मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।